हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। जैसा कि आज की क्लास में आप सभी देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊं, तो मैंने आपको ये बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो ज्यादातर जेड से किया जाता है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स प्लस आयोटा वाई। पर सर, ये आयोटा क्या है? अभी धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर बात आती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरी बात समझ गए? हेलो, मेरी वॉइस कट रही है ना? यस और नो? नो सर, हल्की यस सर, हल्की सी कटी थी, मुझे सर पता चल गया हल्की कट था। रही है। कटी थी, मुझे पता चल गया था। वेट, रियल नंबर अगर बात करी जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर किसे बोलते हैं? रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है एक्स, और इमेजिनरी नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वाई। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये दो चीजें होंगी। पर बात आती है सर, इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं? जो कोफिशियंट होता है आयोटा का। कोफिशियंट मतलब साथ की वैल्यू। आयोटा दिख रहा है? आयोटा किसे बोलते हैं? आई, आयोटा। क्या बोलते हैं से? आयोटा। इसका अपना एक मतलब होता है। आयोटा के साथ चिपकी हुई वैल्यू को का क्या बोला जाता है? इमेजिनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? रियल। मेरी बात समझ रहे हो? इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे जेड इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन मान लेते हैं जेड वन, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन, चलो जेड से ही डिनोट करते हैं। जेड वन क्या करना है? 3 प्लस के 2 आयोटा। तो जल्दी बताओ रियल नंबर ऑफ जेड क्या है? रियल नंबर ऑफ जेड, थ्री वेरी गुड। थ्री इमेजिनरी नंबर क्या है? टू टू। आज मैं आप सभी से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि हाँ, मेरी आवाज आप सब तक बहुत अच्छे से पहुंच पा रही है। बात समझ गए होंगे क्यों, है ना? 7 माइनस 5 आयोटा। अगर मैं आपसे कहता हूँ रियल नंबर ऑफ जेड क्या है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये चैप्टर ऐसा है, शब्द रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यूज करता रहूंगा मैं आप सबके सामने, तो आपको पता होना जरूरी है कि रियल नंबर किसे बोलते हैं। रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? दूसरे क्वेश्चन में रियल नंबर क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सेवन सेवन 7। और इमेजिनरी नंबर क्या है इसका? अब क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या माइनस है? फाइव माइनस फाइव -5। पहले क्लियर है, बोलो हाँ। फिर छोटी सी बात की यस बात सर करते यस हैं। सर वेट, अगर बात करी जाए आयोटा स्क्वायर की, पहली बात आती है सर आयोटा क्या है। आयोटा जो यूज किया गया था, अगर आप सभी को याद दिलाऊं, तो रूट के अंदर -1 को बोला जाता है आयोटा, जो कि रूट के बिना होता है। इस सिंबल का मतलब ही आयोटा है। क्या? आयोटा, रूट के अंदर -1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सभी को याद दिलाऊं, तो जैसे माइनस के 15 लिखा हुआ है, तो मैं 15 को √15 लिख के आयोटा लिख सकता हूँ। याद है? बोलो हाँ। कैसे? -1 × -, मतलब -1 × 15, -1 के ऊपर रूट लगा दिया, 15 के ऊपर रूट लगा दिया, जो कि आराम से -1 का रूट आयोटा कहलाएगा। डन। तो चलो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? जल्दी बोलो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1 अभी बोलो मेरे साथ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1 आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू -1 -1। वो पता है ना क्यों है? यस सर आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। -1 आयोटा की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा वेट, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? वन वन। पर सर, अगर इससे ज्यादा पावर आ जाए तो कैसे करेंगे? मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले अभी आज की क्लास में छोटी छोटी बातें सीखेंगे। सबसे पहले एक चीज का मतलब समझते हैं। क्या आपको रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्लियर हुआ? बोलो हाँ, जल्दी बोलो। मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के देता हूं, तो आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बता सकते हो। हाँ बेटा, सर वॉइस गायब है लेकिन आपकी, एक दो क्वेश्चन नहीं आए थे। एक मिनट, एक बार वॉइस गायब है, आप फिर से बोलिए। तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, जो सामने से आ रही थी वही वॉइस मेरे तक नहीं आई। हेलो, सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने कल कॉम्प्लेक्स नंबर पिछली क्लास में आपने कराया था ना, एयोटा वायोटा, हाँ सर उसके रिल है वो वशिष्ठ, बता दो।
वशिष्ठ फिर वॉइस गायब हो गई आपकी, लास्ट तक आते आते, या तो आप मैसेज लिख दो जिस मैसेज को मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। सर वो कह रहा है उसने आईवीटा वाले बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन करे है, लेकिन उससे अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, आज की क्लास के बाद करना है। आगे आगे बढ़ोगे तो फिर वही वाली बात है, डाउट तो आएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था अभी कुछ एग्जांपल नहीं करने, मैंने कुछ कराया भी नहीं है, बात समझ गए। आज की क्लास होने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, डन। आज की क्लास होने के बाद क्वेश्चंस करने हैं। कट कट के आ तो एक मिनट, ज्यादा कट रही है वॉइस। हेलो, बीच बीच में बहुत ज्यादा लगी है। एक मिनट, तो फिर मैं नेटवर्क ही चेंज करता हूँ, ठीक है? एक मिनट वेट करना, ठीक है? जुबी 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 पंपारा जुबी जुबी परंपा। हाँ अब सुनो, अब मेरी वॉइस लैग कर दी है, अब ठीक है? अब बिल्कुल क्लियर है मेरी वॉइस? यस और नो एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। क्या मेरी वॉइस अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मेरे को बताती है आज दूसरा नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, डन। तो अब मेरी वॉइस कहीं से कहीं तक लैग नहीं करेगी, ये बात मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। अब वशिष्ठ, पहले मैं वशिष्ठ क्या बाकी सबको भी बता देता हूँ, मैंने जो पहली क्लास ली थी ना वो क्वेश्चन करने के लिए नहीं ली थी, मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलके बनाए, ठीक है? आज की क्लास में जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक से और अपनी अपनी बुक से जो मैं अलग से भी भेजूं वो आराम से हो जाएंगे। तैयार है आप सब? बोलो हाँ। अब एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए हाँ। ठीक है, तो सभी ध्यान दीजिएगा, जैसा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलके बनाए, किससे? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसके साथ आयोटा चिपका हुआ होता है। आयोटा के साथ वैल्यू को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, आयोटा को नहीं बोलते इमेजिनरी नंबर, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर बात करी जाए, मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा कराऊंगा उसके बाद आप बोलना, ठीक है, कि आया नहीं आया समझ, रेडी? जैसे कि अगर मैंने बोला इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, क्या बोला मैंने? इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, डन, आर इक्वल। अब इक्वल से मतलब इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 is equal to Z2. Z1 suppose X1 plus iota Y1 है और Z2 X2 plus iota Y2 है। तो पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है? रियल नंबर के बराबर होगा और इमेजिनरी नंबर के बराबर होगा। मेरी बातों को प्लीज ध्यान से समझना। अगर मैंने कहा लेट Z1 is equal to X1 plus iota Y1 है, क्लियर, और Z2 is equal to X2 plus iota Y2 है, क्लियर? तो वेट, एक एक करके आराम से आंसर देते रहना। रियल नंबर ऑफ Z1 क्या है? X one. X one. रियल नंबर ऑफ Z2 क्या है? Z2. दूसरे X2. X2. इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 क्या है? Y1. 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 इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2 क्या है? Y2. 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 बहुत अच्छे। अब वेट, अब मेरी शब्दों पे भी ध्यान देना। लेफ्ट हैंड साइड का रियल नंबर दिख रहा है आपको? लेफ्ट हैंड साइड का रियल नंबर, यस और नो? यस सर। राइट हैंड साइड का भी रियल नंबर दिख रहा होगा? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहता है रियल रियल के बराबर होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं x1 किसके बराबर होगा? x2 के। एंड लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी नंबर क्या है, सोच के बोलना दिमाग हो तो? y2। लेफ्ट हैंड साइड का बाबू, लेफ्ट हैंड साइड का y1। और राइट हैंड साइड का ये समझ गए? बेटर होगा कि एक एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल उसने बोला इफ 2x plus 3 आयोटा y is equal to 5 plus के 4 आयोटा है, then find the value of क्या? x and y। कितना इजी क्वेश्चन दिया है ना अभी मैंने, पर प्लीज इजी को भी ध्यान से देखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे रियल नंबर क्या है बेटा, बोलो? लेफ्ट हैंड साइड पे रियल नंबर क्या है? 2x। और राइट हैंड साइड पे रियल नंबर क्या है? 5। वेट, तो x की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 5/2। एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर बताना है। 3y। आयोटा का कोफिशिएंट पूरा।
और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी नंबर क्या है? फोर. तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? फोर बाई थ्री. फोर बाई थ्री. पहले क्लियर है? बोलो हाँ. एक मिनट, एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. डन. अब आप आराम आराम से करना. इफ 2x माइनस 3 आयोटा वाई प्लस 5y माइनस के 2 आयोटा वाई एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा. डन. बोलो हाँ. यस सर. अब वेट, तो एक चीज बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले रियल और इमेजिनरी को पता है सही कर लो, क्योंकि बिखरा हुआ है क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, है ना. तो देखो मैंने क्या करा. अच्छा यू बिना आयोटा के है, अच्छा 5y भी आयोटा के बिना है, इन्हें साथ में रखो जरा. अच्छा ये माइनस के 2x आयोटा ये वाला लिख लिया और माइनस के 3y आयोटा ये वाला लिख लिया, आयोटा वाले एक साथ लिख लिए. अभी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्योंकि इसके जैसा एक क्वेश्चन में आप सबको दूंगा. कॉपी पेन लेके बैठना इस बार. रेडियो आप सब बोलो हाँ. यस सर. ओके वेरी गुड वेरी गुड. देखते हैं आज भी गड़बड़ मत कर बैठना बस, ठीक है. उस टाइम तो पता. अबे हाँ मैं तो भूल गया, चॉकलेट खानी थी मुझे आप सबके सामने. शिट मैन, लाना ही भूल गया मैं तो. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में खाऊंगा आप सबके सामने, ठीक है. वेट, अच्छा एक काम भी कर सकते हैं, आज जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर वो जीता तो उसकी डबल चॉकलेट कर दें, वो चॉकलेट मेरी तरफ से एक्स्ट्रा उसको, या आज एक की जगह दो क्वेश्चन पूछ लो, या आज एक की जगह दो क्वेश्चन पूछ लो. ना ना दीदी ज्यादा हो जाएगा, अलग अलग दो नाम रख. दो क्वेश्चन पूछ लेना, दो क्वेश्चन पूछ लो. ठीक है डन. रेडी. अब सुनो पहले ना ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि देखो इन सब के साथ आयोटा नहीं है, ठीक है. अगर मैं माइनस वो प्लस के बाहर निकालता हूँ तो माइनस के 2x माइनस के 3y के साथ आयोटा है, ये क्लियर है? बोलो हाँ. अगर आप चाहो तो माइनस को भी बाहर निकाल सकते हो, पर लिखना मत भूल जाना जल्दबाजी में. पहले ये क्लियर है? बोलो हाँ. क्या करा है मैंने ये? अगर अब मैं आप सभी से ये कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे रियल नंबर क्या है ये बताओ. 2x plus 5y is equal to 3 first equation, yes or no? ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे इस बार इमेजिनरी नंबर क्या है? याद रखना इमेजिनरी के बराबर होता है, पर इमेजिनरी में आयोटा नहीं आता. मेरी बात समझ गए क्यों, क्या बार बार मैं बोलना चाह रहा हूँ? रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा, पर इमेजिनरी में आयोटा वर्ड नहीं आता. बात समझ आ रही है? बोलो हाँ. सबको ये वाली बात समझ आ रही है एक बार? अच्छा एक मिनट बस. कोई ऐसा पर्सन जो आज की क्लास में न्यू है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए. मैं भी आई हूं. अदिति दीदी, पर आप पिछली क्लास में थे क्या? यस सर. हाँ तो फिर तो आता है. वैसे बताओ कोई नया पर्सन है जो यहाँ पे आज की क्लास में पहली बार मुझे देख रहा है? हेलो हेलो, कोई तो बोलो. गायब हो गए के सारे? तुलसी दीदी ने हाथ ऊपर कर रखा है, हाथ दुख जाएंगे बेटा. बेटा आदित्य, ओ ठीक है, हाथ नीचे कर लिए. चलो सुनो, मतलब मैं बड़े प्यार प्यार से करा सकता हूँ आपको आज बहुत सारी बातें. मुझे अब एक चीज बताओ, क्या आपको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना आता है जैसे कि इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना? अब सुनो, क्लियर पता चल रहा है एक्स का कोएफिशिएंट सेम है तो मैं इसे ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? ऐड करने से बेनिफिट मिलेगा. ऐड करने से क्या होगा कि ये कट गए पूरे पूरे, अब जो साइन है वो वही बने रहेंगे. 5y माइनस 3y कितना हो जाएगा? 2y पॉजिटिव के और 3 प्लस 2 5. बेटा कम नहीं होगा, यही तो गलती कर रहे हो. ध्यान से y इज इक्वल टू 5/2, ये क्लियर हो गया. और फिर इसी को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. x = -19/4. बहुत आगे भागता है भाई, बहुत आगे भागता है. कोई बात नहीं, जब चॉकलेट वाला क्वेश्चन पूछूंगा तब बात करेंगे, है ना. 3 - 25/2, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है. 2x = 6 - 25/2, माइनस के 19/2, यहां तक कोई दिक्कत है? तो x की वैल्यू -19/4 आया है. हाँ जी,
एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 19 डिवाइड बाय अजी तूने 2 बोला था रहने दे 4 बोला था अच्छा चलिए आगे बढ़ जाऊं यस सर अच्छा सुनो अब मैं अब बेटा जी अब जो बातें इस वक्त मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम 15 मिनट कॉन्सेंट्रेशन रखना छोटी छोटी बातों पे क्या आप सब तैयार है बोलो हाँ yes, चलो yes, सुनो. देखो आयोटा का मतलब था रूट माइनस वन बहुत साफ सुथरी राइटिंग में करूंगा ठीक है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी माइनस हट जाना चाहिए बहुत अच्छे से क्योंकि एकदम से याद आना चाहिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और आयोटा के अगर 4 के मल्टीपल्स होंगे ना 4 के मल्टीपल समझ रहे हो तो 4 के मल्टीपल से मतलब क्या है जरा यहाँ पे साइड में समझा देता हूँ सुनो तो क्या मैं एक चीज बताओ अगर a की पावर m के होल की पावर n हो तो क्या मैं इसे a की पावर mn कह सकता हूँ पावर yes, की पावर होती तो इंटू हो जाती है ये बात पता है सबको yes, तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मैं n की पावर m करूँ तब भी तो इंटू ही होगी यस और नो यस सर तो यानी कि अगर मैं इसे iota की पावर 4 के होल की पावर m लिख दूं क्या कोई मना करेगा मुझे नहीं बताओ कोई मना करना चाह रहा है नहीं है किसी के बस की नहीं है चलो माफ किया तो 1 की पावर m यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है नो सर अच्छा 1 की पावर कुछ भी कर लो क्या आंसर आएगा 1 तो इसीलिए 4 के मल्टीपल्स अब देखो क्या बहुत बड़ा बेनिफिट देगा अब हमको कि 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा 1 हो जाएगी ये बात क्लियर है बोलो हाँ अब सुनो पहला क्वेश्चन दूसरा पहले सुनना मेरी बात समझना पहले 5 4 4 क्वेश्चन मैं करूंगा फिर 4 क्वेश्चन आप करेंगे फिर 3 क्वेश्चन मैं करूंगा 3 क्वेश्चन आप करेंगे रेडी जब तक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तब तक कोई भी बोलेगा नहीं कुछ भी मेरी बात समझ गए जब तक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करना है आपको वेट मान लेते हैं आयोटा की पावर क्वेश्चन में आ गया 35 डन ओहो ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है अब ऐसे में क्या किया जाए तो ऐसे में 35 को क्या लिखा जा सकता है तो पता है क्या करेंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे मल्टीपल्स यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे करके जो भी नियरेस्ट होगा 35 के नियरेस्ट मतलब ये नहीं कि माइनस वाले में मतलब प्लस करना चाहिए मुझे एक्स्ट्रा में मतलब जैसे मुझे दिख रहा है कि 4 के मल्टीपल में 32 + 3 जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर से मतलब काट पीट करने के बाद या तो 1 बचेगा 2 बचेगा या 3 बचेगा या 0 बचेगा हमेशा याद रखना यही चीजें बचेंगी तो आपको क्या करना है 4 के मल्टीपल्स को तो अलग करना है ठीक है और जो रिमाइंडर होगा उसको अलग लिखना है क्या मैं 35 को 32 + 3 लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है पर no, बात आती है सर इसे no, लिखा sir. क्यों है ना सर इसे लिखा क्यों आपने मैं बताऊंगा बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो एक चीज बताओ क्या मैं a की पावर m और a की पावर n जब होता है तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है ये बात सबको पता है जब बेस सेम yes. होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना तो यानी कि ऐड हुई भी पावर को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ यानी मैं इसको आयोटा की पावर 32 और आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूँ ये वाला स्टेप किसको नहीं पता बात समझना जब a की पावर m a की पावर n को a की पावर m प्लस n लिखा जा सकता है तो a की पावर m प्लस n को a की पावर m और a की पावर n भी तो लिखा जा सकता है सर लेकिन अगर हम सर दो a होंगे तो दोनों a मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर नहीं हो जाएगा जैसे यहां पे i वेट समझते हैं चल एक चीज बता ये क्या होता आंसर क्या आएगा a की पावर 6 6 होगा मेरी जान मजा बांध दिया a की पावर 5 ये ना सुन ये a स्क्वायर की पावर 3 नहीं है जो 6 होगा जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है ठीक है बेटा क्लियर है बहुत बेसिक सी बात है ध्यान रखना आगे के लिए जिससे गलती नहीं होगी अब क्लियर है बोलो हाँ जब पावर की पावर होती है मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ जब पावर की पावर होती है तब इंटू होती है उन दोनों की क्लियर है बेटा चलो वेट तो इस अच्छा ये 32 मल्टीपल है 4 का तो इसकी वैल्यू तो पूरी 1 लिख दूंगा बिना सोचे समझे और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा हाँ बेटे माइनस आयोटा
और तो आंसर क्या आ गया माइनस के आयोटा। आया समझ? बोलो हाँ yes, टक टक। वेट, दूसरा दूसरा क्वेश्चन दोबारा से करते हैं, प्यार से करूंगा, तसल्ली से करूंगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है। आयोटा की पावर मान लो 97 है और मुझे नहीं समझ आ रहा 97 के नियरेस्ट क्या होगा, कोपचे में लेके आओ, 4 से डिवाइड करो। डिवाइड करना आता है? बोलो हाँ। मेरी बारी देखो मैं करूंगा अभी। मैंने कहा ना तीन क्वेश्चन तक कोई नहीं बोलेगा, मैं जब क्वेश्चन दूंगा तब जीत लेना। चॉकलेट में कौन सा रोक रहा हूँ, दो चॉकलेट पूछूंगा। 4 2 8 फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, 4 4 16 यानी रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो यानी कि मैं इसको 4 × 24 + 1 लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. नहीं, मैंने वो फोन चला रहा हूँ, है ना? तो वेट, तो अब क्या हुआ कि मैं इसको 4 × 24 + 1 लिख सकता हूँ। किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत हो तो बताओ क्या करा है मैंने, भाई इन दोनों की तो इंटू कर लो पहले, ठीक है, और रिमाइंडर को अलग से प्लस में लिख दिया मैंने। और हमेशा याद रखना 4 का मल्टीपल तो ये अलग बच गया और आयोटा की पावर 1 अलग बच गया। ये बात समझ आ रही है क्या करा है मैंने? देखो जो प्लस वाली चीज थी वो हमेशा आयोटा की पावर अलग कर देना और जो 4 के मल्टीपल हो अलग। और इस पूरे की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 और आयोटा को आयोटा ही लिखे रहने देते हैं, √-1 मत लिखना, ठीक है? नहीं आया समझ? चलो कोई बात नहीं, आया यानी नहीं आया, दोबारा से सर थोड़ा टिपिकल हो गया। वेट, तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं आयोटा की पावर 2 3 7 5 ऐसे आ गया, क्लियर है? अब बताओ, अब तो ना बता पाए एकदम से, फिर भी 2 3 7 5 4 के मल्टीपल के लिए तो 4 5 = 20 क्लियर है? 3 बच गया, फिर 7 उतरा, 4 9 = 36 ओ बेटे 1 आ गया, 5 आ गया, 4 3 = 12 तो रिमाइंडर कितना आया जल्दी बोलो, 3। तो यानी कि या तो डायरेक्ट आप आयोटा 3 लिख दो क्योंकि बाकी सारा तो 1 होना है, पर यार इतना शॉर्टकट भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो 593 × 4 लिख सकता हूं इसे मैं पहले, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर ली और प्लस में रिमाइंडर अलग से लिख लिया। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। और इसको आयोटा की मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई एक तरह से आयोटा की पावर 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। तो 1 × iota³ की वैल्यू क्या है? अब तो बराबर है, माइनस आयोटा। तो आंसर क्या आया? माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। हाँ सर, थोड़ा टिपिकल सा तो है पर समझ भी आ रहा है, पर ऐसा फील नहीं आ रहा कि आया है ना। कोई बात नहीं, क्या करें, कैलकुलेशन वाला खेल हो गया ना, आराम आराम से। द्वारा से अगर मैंने कहा आयोटा की पावर 40-50 है, चलो तो फील तो तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चन में आएगा छोटे छोटे, तो मैं इसको 48 + 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर, ये जल्दी हो जाएगा, है ना? अब ये समझ आ रहा है क्या करा है मैंने, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो 48 के साथ अलग, आयोटा स्क्वायर के साथ अलग, तो ये हो गया 1 और आयोटा स्क्वायर के लिए क्या हो गई? -1। तो आंसर क्या आया? -1। ये समझ आया? बोलो हाँ। आया? Yes, sir. तो एक मिनट, पहले एक बार प्लीज मेरे को हैंड रेज करके आप ये बता सकते हैं कि आपको आया नहीं आया? जिसका हैंड रेज नहीं होगा मैं ये मान लूंगा कि उसको नहीं आया समझ, भाई और क्या कर सकते हैं, दोबारा बताएंगे भाई। जिसका हैंड रेज नहीं होगा मैं ये मान लूंगा कि उसको समझ नहीं आया है, यानी कि कुशाग्र आपको समझ नहीं आया, प्रियांशी राधिका, तन्मय भैया, तन्मय नहीं आया, आ गया भैया, हैंड रेस तो नहीं करा। चलिए क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, चॉकलेट वाले क्वेश्चन बिल्कुल बाद में आएंगे, अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ साथ। क्वेश्चन सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो हाथ नीचे कर लो वरना हाथ दुख जाएंगे आप सबके, ठीक है? आयोटा की पावर 43, आयोटा की पावर 81, आयोटा की पावर 241, आयोटा की पावर 350। चलो बताओ आंसर क्या आ रहा है, और सुनो आंसर मैसेज में लिख के भेजना, जल्दबाजी कुछ नहीं है हमें, हमें ये नहीं है हाबड़ ताबड़ ले अभी भागना कहीं आंसर करके, ऐसा कहीं हो तो पहले चले आना बैच छोड़ के, क्योंकि जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से करेंगे, आज ही नहीं करना है मैं सारा टॉप,
ऐसा भी क्या पढ़ना कि क्वेश्चन गलत गलत करके दे दो। सर ये क्या चैट में भेजने हैं क्या? हाँ बेटा इसी वाली में, ठीक है। और सुनो हो सके तो प्रेजेंटेशन मैंने इतनी प्यारी सी करी, आप भी ऐसी करके करना सॉल्व, ठीक है। मैं भी कोई ये थोड़ी कह रहा, चॉकलेट वाले क्वेश्चन में भेजना अपने आंसर पहले, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आदित्य भैया हो सके तो एवरीवन करके भेजो, सभी एवरीवन करके मैसेज कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम एक दूसरे के आंसर को देख सकें और गलत सही का पता कर सकें। एक ही मैसेज में भेजना है, चारों आंसर टुकड़ों में नहीं भेजने हैं। राघव समझ गए? जैसे अदिति दीदी ने आंसर भेजा है इस तरीके से भेजो, जैसे वशिष्ठ भैया ने भेजा है इस तरीके से, लाइक ओड़े ओड़े अदिति का, आदित्य का और वशिष्ठ का आंसर मैच तो कर गया है, बाकी देखते हैं सही है गलत है। कर लो आराम से कर लो, जल्दबाजी कुछ नहीं है। सर मैं ये पूछ रहा था आप सेट्स के डाउट को क्लियर करोगे? सेट्स के डाउट संडे को ठीक है। संडे को एक ऐसा टाइम दे दूंगा जिसमें जिस जिसको डाउट्स रहने वो कंप्लीट कर लेना अपने डाउट्स, है ना, डोंट वरी। ईशिका दीदी ने भी भेज दिया अपने आंसर, ये सुनो, ये जो सेकंड वाले इसमें उन्नति दीदी, आयोटा को आयोटा लिखना है, रूट माइनस वन में आंसर नहीं छोड़ना है, रूट माइनस वन को आयोटा लिखने के लिए हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इसलिए आप रूट माइनस वन ना लिखे आयोटा लिखना है ना, बात वही है, मैं समझ गया, पर याद रखना उसे आयोटा लिखना है, ठीक है। और तन्वी दीदी ये डंडे का मतलब आयोटा है ना, यानी आपके जो बीच में आंसर लिखे हैं, ओके। ये नंदनी दीदी आपका पहला गलत हो गया, ठीक है। तुलसी दीदी आपका लास्ट गलत हो गया है, वो तो खैर छोड़ो, मैं इतनी देर में तो आंसर लिखता हूँ, उसी से ही समझ जाओगे आप, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, आंसर लिखता हूँ, अपने अपने आप ही चेक कर लेना, और जिसको समझना है वो पूछ लेना कि सर कैसे कराया आपने। रेडी बोलो? हाँ, पहले का आंसर आएगा 40 प्लस 3 यानी माइनस आयोटा, इसका आंसर आएगा आयोटा, इसका आंसर आएगा 240 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा आयोटा, और इसका आंसर आएगा 2 बचेगा यानी माइनस 1। अब बताओ किसको कौन सा करके दिखाना है, जल्दी बोलो बेटा कौन सा करके दिखाना है मुझे इसमें, किसी भी एक पर्सन को कोई सा भी क्वेश्चन करके दिखाना हो, प्लीज शर्माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रियांशी, मनन, रीशु, कुशाग्र, राघव, क्लियर है बेटा? भूमि दीदी, यस सर। फोर्थ वाला करके दिखाइए, फोर्थ वाला करके दिखाता हूँ। फोर्थ वाले में अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इसे ना मैं 350 है जैसे 350, ठीक है। क्लास अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 350 को अगर कहो तो पूरी तरह डिवाइड करूं या डायरेक्ट कर दूं? भाई 348 जो है ये तो अलग हो जाएगा फोर्थ से डिविजल करके, ठीक है। देखो लास्ट के दो डिजिट अगर फोर से डिवाइड हो रहे हैं तो समझ लो फोर से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज? रिमाइंडर 2 बचेगा बेटा। यस सर, सही है। तो आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस वन, आंसर माइनस वन हो गया। जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया या नहीं हुआ अभी? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ जाऊं? Yes, चलिए नेक्स्ट।
अब सुनो सुनो सुनो, एक मिनट की तो क्लास ही रह रही है, इसमें अभी दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, है ना। किसी को भेजना है अपनी तरफ से आंसर या पूछना है अभी, बोलो जल्दी। चलो तो एक काम करते हैं, अब इन्हीं फॉर्मुलों पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं। एक क्वेश्चन है सिंपल, क्लास द्वारा ज्वाइन कर लेना पहले तो अभी, ठीक है। क्लास द्वारा ज्वाइन कर लेना, क्लास अगेन ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सर परसों वाले नोट्स आप हमारे वाले ग्रुप पे सेंड कर देना। ठीक है बेटा, मैं आपके वाले ग्रुप पे सेंड कर दूँ, बल्कि मैं ग्रुप का लिंक ही दे दूँ, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, है ना। क्योंकि इसके बाद मुझे इस ग्रुप में स्प्लिट करना है अप्लाइड वालों को और कोर वालों को, कोर आईएससी वाले एक ही बैच में।